नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बर्ड फ्लू से हो रही कौओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने केरल और उसके सीमावर्ती राज्यों से आने वाली पोल्ट्री पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह अस्थायी तौर पर लागू रहेगा। कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वे मध्य प्रदेश के तमाम पोल्ट्री ऑपरेटरों से बैठक करके केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कराएं और रैंडम सर्वे भी हो। इछावर क्षेत्र के गांव समापुरा में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी शाहरुख पुत्र नौसे खां को पुलिस ने 4 दिन बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करते हुए एनएसए के लिए प्रस्ताव भेजते हुए अन्य कार्रवाई भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंडे, बदमाशों, माफियाओं को एक बार फिर चेताया है। उन्होंने इंदौर में ऐलान किया है कि पत्थरबाज और मिलावटखोर अब जीवन भर जेल में सड़ेंगे। मेरी सरकार लव जिहाद की तरह इनके खिलाफ भी कड़ा कानून लाने जा रही है। मैं गुंडे, बदमाश और माफिया मिलावटखोरों को फिर चेता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा, बिल्डिंग मकान तोड़वा दूंगा। व्यापम महाघोटाले से जुड़ी पीएमटी 2011 में चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका सहित 57 लोगों के खिलाफ सीबीआई गुरुवार को नई चार्जशीट पेश करेगी। चार्जशीट में चिरायू मेडिकल कॉलेज पर वर्ष 2011 में सरकारी कोटे की 39 सीटों को 50 लाख रुपए तक में बेचने के आरोप लगाए गए हैं। चिरायू मेडिकल कॉलेज ने सरकारी कोटे की सीटों पर पहले डमी एडमिशन दिए, फिर इन सीटों को चहेते लोगों को बेच दिया गया। इस पूरे खेल में चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर गोयनका सहित मेडिकल एजुकेशन के तत्कालीन अफसर भी शामिल थे। इस मामले में पहले 3 लोगों पर चार्जशीट हो चुकी है। सीबीआई की जाँच आगे बढ़ी तो इसमें 57 और नए नाम सामने आए। मुरैना गोहद की सीमा पर स्थित चिराई भोनपुरा गांव में चिलासन देवी का मंदिर बनाने के लिए चल रही खुदाई के दौरान 11वीं सदी की भगवान विष्णु की प्रतिमा और कुछ अवशेष मिले हैं। जानकारी के अनुसार चिराई भोनपुरा गांव में ग्रामीणों द्वारा चिलासन देवी का मंदिर बनाने के लिए 1 महीने से खुदाई की जा रही थी। मंदिर की खुदाई के दौरान 2 दिन पहले जमीन से 6 से 7 फीट नीचे भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा निकल आई। 2.5 से 3 फीट ऊंची यह प्रतिमा जहाँ निकली उसी जगह पर एक विशाल शिला भी निकली जिसमे प्रतिमा के पैर अंकित थे। जिला पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा ने प्रतिमा को अपने आधिपत्य में ले लिया और पद्म मुद्रा शिला को मौके पर संरक्षित करवा दिया। पुरातत्वविद वीरेंद्र पांडे के अनुसार यह प्रतिमा विष्णु प्रतिमा ही है, इसे देव प्रतिमा भी कह सकते हैं। राजधानी में कोरोना की वैक्सीन को किलोल पार्क स्थित ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के दफ्तर में वैक्सीन को स्टोर में रखा जाएगा। संभाग के भोपाल सहित दूसरे जिलों को कोरोना की वैक्सीन इसी स्टोर से भेजी जाएगी। वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखने के लिए स्टोर में 40 से ज्यादा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर रिजर्व किए गए हैं। कोरोना काल में लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में बैंक सिविल स्कोर या अन्य कारणों से हितग्राहियों के लोन को अटका रहे हैं। प्रदेश में करीब 1.25 लाख प्रकरण ऐसे हैं जो सरकार ने स्वीकृत कर बैंकों को भेज दिए हैं, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में भी सिविल स्कोर के नाम पर लोन रोके जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भूमाफिया और ड्रग माफियाओं के बाद अब सरकार की रडार पर नकली पान मसाला आ गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का अगला टारगेट गुटखा माफिया है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में जल्द ही अभियान शुरू होगा। इससे पहले प्रदेश में पिछले साल केंद्रीय एजेंसी DRI ने पिछले साल जून माह में इंदौर में पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।